हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अपफ्रंट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स लेके आए हैं। फ्रेंड्स, इन सभी स्टॉक्स का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है और इनमें रिसेंटली एक रिवर्सल पैटर्न देखा गया है। फ्रेंड्स, इस टाइप के पैटर्न को हम चार्ट की हेल्प से, टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी स्टॉक्स में अभी हमको इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और आगे चल के ये काफी हाई रिटर्न्स देने की पोटेंशियलिटी रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और दोस्तों, ये वीडियो हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहे हैं। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टॉक ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स, स्टॉक की चर्चा करने से पहले एक बार इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 2016 से लेके करंट सिनेरियो तक की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोकेस्ड है। और अगर हम सेल्स की बात करें, 283 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 895 करोड़ पे पहुंच चुकी है इसकी सेल्स इन करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 42 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 162 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहां पे देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो सेम सिनेरियो यहां पे भी देखने को मिलता है। 16 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घटते को देखने को मिलता है। और दोस्तों, इन्हीं वजह से स्टॉक अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस में हमको अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट मंथ से कंपनीज अपने क्वार्टर रिजल्ट्स पेश करना स्टार्ट कर देंगी और अगर यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है। फ्रेंड्स, स्टॉक का नाम है राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। दोस्तों, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से यहां पे आपको कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है और अभी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आरएसआई भी इसकी लगभग 70 के आसपास पहुंच चुकी है। और फ्रेंड्स, यहां पे 800 के लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और फ्रेंड्स, अगर ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक हमको 1000 के लेवल तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं राउंडेड बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिल रहा है। और अगर यहां पे ब्रेकआउट होता है तो अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट मंथ में जैसा कि हमने बताया क्वार्टर रिजल्ट कंपनी पेश करेंगी, तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया तो यहां हो सकता है स्टॉक 1000 के लेवल को भी ब्रेक कर जाए। और फ्रेंड्स, अपने 52 वीक हाई से अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे हमको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर इसका 52 वीक हाई की बात करें तो 1400 के आसपास इसका 52 वीक हाई है और अभी ये 836 के आसपास ही मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, खोने के लिए बहुत कुछ है और ऊपर अपसाइड इसकी टोटली ओपन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जरूर तलाश सकते हैं। और दोस्तों, इस स्टॉक ने पास्ट में अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर इसके 2020 से रिटर्न देखें तो इसने 2144% के रिटर्न बना के दिए हैं। और अगर लास्ट 5 ईयर का डेटा ट्रैक करें तो फ्रेंड्स, अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो 17% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जब ये स्टॉक चलता है ये तूफानी तेजी के साथ चलता है। आप यहां से देख सकते हैं 573 के आसपास स्टॉक था और उसके बाद बढ़ते बढ़ते नॉन स्टॉप स्टॉक भागा है और ऑल टाइम 1323 के आसपास स्टॉक ने होल्ड किया है और इसी दौरान स्टॉक ने ऑल टाइम हाई भी लगाया है। तो फ्रेंड्स, एक तरफा तेजी के साथ ये दौड़ता है और अभी ये अगर ब्रेकआउट इसका सक्सेसफुल रह जाता है तो ये इसी तरह मल्टी बैगर रिटर्न्स यहां से बनाने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, आप इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करके जरूर चलें। फ्रेंड्स, अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये टायर बीड वायर
मैन्युफैक्चर करता है जो टायर्स में यूज होती है, और इसके कस्टमर बेस बहुत वाइड है फ्रेंड्स। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हर टायर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड इसका कस्टमर है, दैट इज टायर बीड वायर सभी के सभी इसी से खरीदते हैं। तो अपने सेगमेंट में कहीं ना कहीं ये मोनोपोली होल्ड करता है, और इसीलिए मुझे इसका बिजनेस मॉडल पर्सनली काफी पसंद है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अपोलो टायर्स, बिरला टायर्स, बीकेटी, ब्रिजस्टोन, गुडियर, मिशलिन, जेके टायर्स, टीवीएस, योकोहामा, एमआरएफ, मेट्रो, ये सभी लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड इसके कस्टमर हैं। तो फ्रेंड्स, करंट लेवल पे भी आप इसको खरीद के चल सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये ऑलमोस्ट 40% के डिस्काउंट पे हमको अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक नाउ। और हमारा आज का नेक्स्ट स्टॉक है टानला प्लेटफॉर्म। दोस्तों, ये भी धीरे धीरे कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, और आज के दिन इसमें लगभग 8.46% की तूफानी तेजी देखने को मिली है। और फ्रेंड्स, ये जब भी ऊपर जाता है, या आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन स्टॉप ये ऊपर जाता है। और फ्रेंड्स, अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 2000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है, और अभी ये लगभग 50% के डिस्काउंट पे हमको अवेलेबल है। और वहीं इसका 52 वीक हाई देखें तो 1360 के आसपास 52 वीक हाई इसका देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर हमको इस चार्ट को, टेक्निकल चार्ट को डिटेल में समझना है, तो जरूरी है हमको इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को स्टडी करना। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे डायरेक्टली बात करें तो 66 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है 588 करोड़। और यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे काफी फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं 2018 में नेट प्रॉफिट है 19 करोड़, देन 30 करोड़, और फिर -211, दैट इज कंपनी घाटे में आ जाती है। 211 करोड़ का घाटा यहाँ पे कंपनी ने किया है, और उसके बाद 211 करोड़ के लॉस से बढ़ के डायरेक्ट 356 करोड़ का प्रॉफिट, और उसके बाद 539, और उसके बाद फिर से प्रॉफिट घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी की नेट प्रॉफिट थोड़े से इनकंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इसमें राउंडेड बॉटम फॉर्मेशन पैटर्न देखने को भी मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस पैटर्न को प्ले करना है, इसकी तेजी से फायदा उठाना है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड काफी लिमिटेड देखने को मिलेगी, और अपसाइड की बात करें तो अभी भी इसमें काफी अपमूव देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द लीडिंग मैसेजेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, जो बहुत सारे ISP और टेलीकॉम कंपनीज के लिए काम करता है। तो फ्रेंड्स, बिजनेस मॉडल इसका काफी फ्यूचरिस्टिक है, और पास्ट में रिटर्न्स भी इसने काफी शानदार बना के दिए। दोस्तों, अगर हम पास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो देखिए 2695% के रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 36% का लॉस कंपनी ने बना के दिया है, और अगर 6 महीने की बात करें तो 8% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और बात करें पिछले 1 मंथ की तो 22% की अपसाइड मूव यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। तो फ्रेंड्स, अभी स्टॉक काफी मोमेंटम में देखने को मिल रहा है, और अगर यही मोमेंटम बरकरार रहा तो ये यहाँ से फ्रेश हाई बनाने की कैपेबिलिटी भी रखता है, क्योंकि पास्ट में भी आप देख सकते हैं इसने एक तरफा तेजी दिखाई है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक का चार्ट काफी प्रॉमिसिंग है, और आप यहाँ पे अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक नाउ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रोजारी बायोटेक लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 848 रुपीज के आसपास आज इसने क्लोजिंग दी है। और फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन का पैटर्न ऑब्जर्व करें, आप देख सकते हैं हल्की सी कंसोलिडेशन जैसे कि आज दी है इसने -0.28%, और कल के दिन देखिए इसमें कितनी स्ट्रांग तेजी थी, ये ग्रीन कैंडल कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है। और अगर परसों की ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये देखिए कंसोलिडेशन है फिर से आज की तरह ही। अगर हम उससे पहले के ट्रेडिंग सेशन में देखें वहां पे भी कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल कहने का भाव ये है कि ये भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे भी अगर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन पैटर्न सक्सेसफुली यहाँ पे बनता है तो ये यहां से अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कैपेसिटी रखता है।
क्योंकि स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ है। कंपनी की बात करें तो कंपनी में कंसिस्टेंसी की कोई कमी नहीं है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है और ये पैटर्न बेस्ट पैटर्न होता है। नेट प्रॉफिट देखिए 46 करोड़ से बढ़ के 65 करोड़, आफ्टर दैट 80 करोड़, देन 98 करोड़ एंड देन 107 करोड़। तो बहुत ही कंसिस्टेंट कंपनी है। और अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स भी काफी कंसिस्टेंटली इसकी ग्रो कर रही है। 516 करोड़ से बढ़ के 600 करोड़, देन 709 करोड़, 1483 करोड़ एंड देन 1656 करोड़। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोविड का भी कोई असर देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, एक अच्छी कंपनी अभी हमको अच्छे डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई केमिकल कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो रोजारी बायोटेक इज फॉर यू। और फ्रेंड, ब्रीफली इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। ये तीन प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करती है। फर्स्ट इज होम केयर, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। सेकेंड इज टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स एंड थर्ड इज एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, इसका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, काफी वास्ट है। और फ्रेंड, स्मॉल कैप कंपनी है, 4500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। तो अगर आप हाई ग्रोथ स्मॉल कैप केमिकल कंपनी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के मौके जरूर तलाश सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। और हमारा आज का नेक्स्ट स्टॉक है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। तो दोस्तों, अभी के समय ये 646 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर इसका ऑल टाइम हाई देखा जाए तो लगभग 850 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। तो फ्रेंड, यहाँ पे भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल रहा तो ये यहाँ से ऑल टाइम हाई टच करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। फ्रेंड्स, ये पाइप्स एंड फिटिंग सेक्टर में एक स्मॉल कैप बिजनेस है, 7000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है। और अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ट्रैक किया जाए तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं 1315 से बढ़ते बढ़ते 2711 पे पहुंच चुकी है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 73 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 121 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसके प्रॉफिट ड्रॉप होते हुए नजर आए हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड सम एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। और दोस्तों, ये वही मौके हैं जहां पे स्टॉक हमको सस्ते में मिलता है। दोस्तों, यहां पे जो इनका रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट घट गई थी और इन्होंने, जैसे इस टाइप की कंपनीज अपने रॉ मटेरियल को बहुत बल्क में स्टोर करती हैं, तो फ्रेंड्स, इनका महंगा रॉ मटेरियल इनके पास था, उसके बाद प्राइस रिड्यूस हुआ और उसकी वजह से इनको महंगा सामान लेके सस्ते में अपने फिनिश प्रोडक्ट्स बेचने पड़े। तो फ्रेंड्स, इस वजह से इसके प्रॉफिट काफी ह्यूजली इम्पैक्ट हुए थे। और एस्ट्रल में भी कुछ कुछ यही स्टोरी देखने को मिलती है और इसलिए एस्ट्रल भी अभी सेम सिचुएशन को फेस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती है तो ये यहाँ पे निश्चित ही कमिंग क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स काफी शानदार आने की उम्मीद है और फिर हो सकता है ये स्टॉक एक नई फ्रेश हाई क्रिएट कर दे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी कंपनी सस्ते में चाहिए तो देन आप प्रिंस पाइप के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको इसी सेगमेंट में एक लीडर बिजनेस चाहिए, लीडर स्टॉक चाहिए, तो एस्ट्रल के साथ आप जा सकते हैं, वो भी एक अच्छी कंपनी है। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की ओर। और हमारा आज का नेक्स्ट स्टॉक है कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ पे भी लगभग 50% की गिरावट हो चुकी है। 640 रुपए इसका ऑल टाइम हाई है, 640 रुपीज इज ऑल टाइम हाई एंड नाउअडेज स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अबाउट 320 रुपीज। तो ऑलमोस्ट 50% की गिरावट स्टॉक में क्लियरली विजिबल है। तो फ्रेंड्स, डाउनसाइड की बात करें तो यहाँ पे 300 रुपए का एक सपोर्ट नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनसाइड इज लिमिटेड। एंड अपसाइड की बात करें तो 640 रुपए का ऑल टाइम हाई है। अगर यहाँ पे राउंडेड बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हर 100 रुपए पे एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है, 300 के बाद 400, 400 के बाद 500। और दोस्तों, दो दिन पहले हमने इस स्टॉक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था जहां पे हमने डिस्कस किया था कि दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। तो आप चाहें तो वो वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, वीडियो के एंड में हम उसका लिंक दे देंगे। और फ्रेंड्स, अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स 410 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1484 करोड़ पे पहुंच चुकी है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 31
करोड़ से बढ़ते बढ़ते 117 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, एक्सेप्ट यहाँ पे कोविड की वजह से डिप देखने को मिला है, लेकिन अगर इस पार्ट को एक्सक्लूड कर दें तो काफी कंसिस्टेंट इसकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक, अच्छी कंपनी आपको सस्ते भाव पे मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।